हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके सामने एक लेके आई हूँ एक अच्छा सा टॉपिक जो आई होप कि आपको पसंद आएगा। यूट्यूब पे क्या है कि आजकल लोग ज़्यादा वीडियोस बना रहे हैं, यूट्यूब पे जाके चैनल बना रहे हैं। वो इसलिए बना रहे हैं, कुछ लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनकम के लिए बनाते हैं और कुछ फेमस होने के लिए बनाते हैं। बट मेरा ऐसा परसेप्शन नहीं है। मेरा ये है कि मैं इसलिए बनाती हूँ कि सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट के लिए, जो कि मैंने बहुत पहले शुरू करा था यूट्यूब चैनल अपना, और आज मैं फुल इम्प्रूवमेंट देख रही हूँ अपने अंदर, जो कि मेरे में बिल्कुल पहले इम्प्रूवमेंट नहीं था। और पहले मैं स्कूल में थी तो इतना बात नहीं कर पाती थी, जिससे मैं इतना बोलती भी नहीं थी। बट एक टाइम ऐसा आया कि जब से मैंने यूट्यूब चैनल शुरू करा, तब से मुझे अपने अंदर बहुत सारी चेंजेस दिखे। और हाँ, अभी भी चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट चेंज ये था कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बढ़िया हुए हैं। मैंने रियलाइज़ किया है ये, ठीक है। और सबसे हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, चाहे कोई भी हो चीज़, ठीक है। तो एज अ यूट्यूब चैनल, एज अ उसको शुरू कर रहे हो तो इनकम के लिए मत करो, मेरा तो यही है कि, लेकिन सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी होती है लाइफ में। तो जो कि मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मेरे में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आया है। और सो यही है। और नेगेटिव पॉइंट है कि कई बार इंसान ना, ये बंदा जो भी है यूट्यूब चैनल चला रहा होता है, तो उस पर ना अपना मतलब वीडियोस वगैरह डालता है, तो उसके कई बार डिसलाइक्स, नेगेटिव कमेंट्स वगैरह आ जाते हैं, तो बंदा उसी को पकड़ के बैठ जाता है। तो इन सबको इग्नोर मार के अगर आप मतलब आगे बढ़ जाते हो तो बहुत बेस्ट है। एक्चुअली मैंने इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है कि कितने डिसलाइक्स आए, कितने नेगेटिव कमेंट्स आए। तो इस वजह से, तो ऐसा देखो, नेगेटिव चीज़ों को तो नेगेटिव रहने दो, अब उनका तो कुछ कर नहीं सकते। तो लेट्स इग्नोर नेगेटिव थिंग्स एंड बी पॉजिटिव इन एवरी सिचुएशन इन लाइफ और इन यूट्यूब, ठीक है। तो मेरा यही है कहना। और मैं तो इस यूट्यूब को इस कुछ बिना सोचे समझे शुरू कर दिया था मैंने अपना चैनल, लेकिन आज जो मैंने अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखा है वो बहुत ही अलग है, बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो मेरा यही कहना है। तो आपको, आप किस नज़रिए से देखते हैं इस यूट्यूब चैनल को या फिर यूट्यूब को, कमेंट बॉक्स में बताएं। और तो यही कहना है। और अच्छे से यूज़ करिए हर चीज़ को, और सही तरीके से यूज़ करिए यूट्यूब का। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी बताएं ज़रूर कमेंट बॉक्स में। बाय।